हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलोर रेस की। 27 जुलाई की रेस है और पहली रेस यहाँ पे 2 बजे है, आखिरी रेस 5 बजे है। और कार्ड यार अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं कुछ टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड जरूर बताऊँगा, वो जरूर नोट करके चलें यार आप लोग, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पे जो घोड़े मैंने लिख दिए उन्हीं को अगर कंसिडर करोगे तो कुछ ऊपर नीचे होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं बल्कि। तो पहली रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड की। यहाँ पे घोड़े हैं इंजॉयबल है, आइल वोलो है, जो मुझे कटसू है, ट्रैक ठीक जा रहा है, लिव इन द मिस्ट और ओनली ड्रीम है। बाकी पिक मैं 8 नंबर को लेके चलूंगा, ओनली ड्रीम्स ए संदेश। यहाँ पे विजय सिंह जी का घोड़ा है ये, मुझे लग रहा है एक ऊटी में भी इस घोड़े ने रन लिया था, तो उसके बाद अब यहाँ पे भगा रहे हैं इसको, तो मुझे लगता है संदेश के नीचे एक बेटर रन की उम्मीद कर सकते हैं, पहला रन है। और दूसरा घोड़ा यहाँ पे मैं 3 नंबर को लेके चलूंगा, अभी ऊटी में रन लेके आया। खैर यहाँ पे अभी बेंगलोर में तो घोड़े के रन नहीं दिख रहे हैं। इल वोलो श्रेयस सिंह यहाँ पे 1600 डर्बी भागा है, उससे पहले 1400 भागा है और बेंगलोर में ऑलरेडी 2 रन लेके जा रखा है, तो मुझे लगता है ये घोड़ा यहाँ पे मतलब फाइट कर सकता है रेस में। और सेकेंड रेस में आ जाते हैं, सेकेंड रेस क्लास 5 की रेस है, अगर स्किप भी कर दें तो ठीक रहेगा। बाकी 1400 मीटर क्लास 5 की रेस है, सिंगल ही हॉर्स समझ आ रहा है मुझे संदेश के नीचे, 2 नंबर कैट विस्कर्स। ये अभी जर्सी किंग के आगे क्लास 4 चौथा लगा, वेट 3 किलो पेनल्टी है, ए संदेश बैठा दिया है नीरज से, 62 किलो में जाना है टॉप वेट में। यार पोटेंशियल तो है, बाकी क्लास 4 में जिस फील्ड में भागा भी जर्सी किंग के साथ में, वो फील्ड थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे इस फील्ड के हिसाब से टाइट कह सकते हैं, बाकी मुझे लगता है इस फील्ड में घोड़े का चांस जरूर बनता है यार। बाकी 8 नंबर फायर फिंच है, इसमें भी नज़र बनाए रखे हैं, आइसी स्टॉर्म है। थर्ड रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड की। और यहाँ पे जो घोड़े मुझे दिख रहे हैं, एक तो धनतेरस दिख रहा है, कुछ इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, वारन सिंह जी का घोड़ा है, ला मैक्यून के साथ में गुड थर्ड लगा हुआ है एम नवीन के नीचे, मार्च के बाद अब भाग रहा है। डॉन कार्लोस अभी फेवरेट था पहले रन में ट्रेवर के नीचे, और पुरान जाया के साथ में, पुरान जाया के साथ में, और अक्षय कुमार बैठा दिया ट्रेवर से, ठीक है। और जो घोड़ों ने रन लिया हुआ है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी। और 8 नंबर है आयरन किंग और प्राइजलेस प्रिंस, दोनों एक साथ भागे हुए हैं। आयरन किंग में ट्रेवर से विवेक जी बैठ गया है और प्राइजलेस प्रिंस में विनोद सिंधे से सूरज बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं पे यार 9 नंबर को बेनिफिट जरूर दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। और उसी के बेस में मैं पहले तो 4 नंबर वैसे तो मुझे सिंगल ही समझ आ रहा है, डॉन कार्लोस अक्षय कुमार के नीचे घोड़ा जीतना चाहिए, बाकी फिर भी सूरज वाला घोड़ा 9 नंबर, मैं प्राइजलेस प्रिंस को सरप्राइज लेके चलूंगा, क्योंकि 1400 मीटर लास्ट टाइम भागा था, इस बारी 1200 जाना है, फ्रंट रनर है। और सूरज एक बारी अगर घोड़ा मतलब अगर फ्रंट निकला हुआ है तो यार मेंटेन करना है 100-150 मीटर शायद घोड़े को, तो सरप्राइज के लिए बिल्कुल आप ये सूरज वाले घोड़े को देख सकते हैं। चौथी रेस में आ जाते हैं, द एसजी मधुकर मेमोरियल ट्रॉफी है, 1400 मीटर क्लास 3 की रेस है, मेन घोड़े किंग्स बटालियन है, भारत है, 3 नंबर है पेरिसियन रॉक, 4 नंबर क्रॉस वाटर एयरक्राफ्ट और फॉरेस्ट फ्रेगनेंस, दोनों रन जीता हुआ है, विजय सिंह जी का घोड़ा है और ऊटी में, ऊटी से अब यहाँ पे आ रहा है। तो 8 नंबर सुपर मार्वेला है, 9 किलो माइनस जा रहा है संदेश से, नीला रावल बिठा दिया। तो फील्ड में घोड़े तो बहुत हैं, बाकी जो टॉप घोड़े दिख रहे हैं 1, 2 और 3 नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी पिक मैं 1 नंबर लेके चलूंगा, ट्रैक बहुत बढ़िया जा रहा है, 1 नंबर का किंग्स बटालियन विवेक जी, अच्छे घोड़ों के साथ में भागा हुआ, डर्बी में काफ़ी क्लोज लगा था रॉयल डिफेंस के साथ में, चौथा लगा हुआ है, 1400 मीटर जीता हुआ है और भारत के साथ में हैंगिन हुआ था, गुड सेकेंड लगा हुआ है, ठीक है, 80-10 बार बैठा हुआ था उस दिन। और 2 नंबर जरूर पिक लेके चलूंगा भारत, 1 रन का बेनिफिट है, धानु के नीचे इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम गलाहट के साथ में, और अक्षय बैठा दिया है यहाँ पे, बिल्कुल यार चांस बनता है। ये भी रॉयल डिफेंस के साथ में भागा हुआ घोड़ा है, ये 7वां लगा था, किंग्स बटालियन 4था लगा था और एक बार 1400 में 2 नंबर ने बीट किया हुआ है 1 नंबर को। बाकी 4 नंबर क्रॉस वाटर ट्रैक देख रहा हूँ यार, इस घोड़े का ट्रैक शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है मैंने। बाकी घोड़ा तो यार नो डाउट कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, क्लास 3 भी काफ़ी इंप्रेसिव जीता था, 5 नंबर भी है एयरक्राफ्ट,
सात नंबर ऊटी का घोड़ा अभी क्लास के हिसाब से मैं पिक लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि अभी मेड इन भागा हुआ है। पांचवी रेस में आ जाते हैं, मेमोरियल ट्रॉफी है, मेन इवेंट है, 1600 मीटर क्लास टू की रेस है। मैडम रिच, यार ये मेरे ख्याल से जमारी वाला रन सबको याद होगा, और 3.5-4 रुपये में प्लेस आई थी उस दिन घोड़े की, और मैंने पिक में या ये कह लीजिए लाइव में मैंने इस घोड़े के लिए काफ़ी बताया था। तो ये घोड़ा यार सकलेन के नीचे बहुत सुपीरियर रन था, वो रन मेरे को आज भी याद है अच्छी तरह, जमारी को बीट करने चला गया था घोड़ा। उसके बाद फाइनल एंट्री हुई, ईपी ऑन की है इस घोड़े के साथ में, और नॉटन बैठाया हुआ था, बट मुझे लग रहा है कि शायद फॉरनर जॉकी इतना कुछ कमाल कर नहीं पाए। तो यहाँ पे ए संदेश बैठा दिया, घोड़े पे बहुत पोटेंशियल है यार, वो संदेश वैसे भी हार्ड राइडर है, मुझे लगता है इस घोड़े को शायद ये उड़ता हुआ फिर एक बारी दोबारा नजर आए 1600 मीटर में, और 1200 काफ़ी इम्प्रेसिव जीता हुआ है क्लास 4, और क्लास 2 जाना है बिल्कुल घोड़ा बनता है यार। आयरिश कॉफी अभी 1400 जीता है, 200 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, दर्शन से सेम जॉकी जा रहा है, किंग्स लुइस है एस जे मोलिन के नीचे, स्प्लेंडिड है, और एक ही एस एस तल्लाई जी का बहुत बढ़िया घोड़ा है यार। वेस्ट ब्रुक के इस घोड़े की भी अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे घोड़ों के साथ में, काफ़ी टच ऑफ ग्रे के साथ में फाइनल एंट्री करके गुड सेकंड लगा हुआ है, लिवर मोर के साथ में गुड सेकंड, फिर मुंबई में 2 रन लेके आया, क्लोज फिनिश दिए हैं बट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया घोड़ा। एक बार सूरन ने काफ़ी क्लोज लगाया है जेंडाई के साथ में, फिर उसके बाद इनेबलर के साथ में नॉटन, तो फिर अक्षय कुमार बैठ गया है, तो 1400 मीटर अक्षय कुमार के नीचे बेंगलोर में मार्च में घोड़ा जीता था, और मुझे लगता है यार 62.5 से 55 जाना है, एक और बेटर रन की उम्मीद कर सकते हैं। 6 नंबर सायरा डेला प्लाटा कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लूक है यार घोड़ा। 8 नंबर ऑस्पिशियस क्वीन भी जैसे कहते हैं टोट अपसेट घोड़ा है ये, 8 नंबर 7 नंबर सारे घोड़े हैं, 1 नंबर को बुक के हिसाब से डे बेस भी दे रहे हैं मैडम रिच को, तो मेरी फैंसी तो यार 1 नंबर वैसे मेन है, बट मुझे लगता है कि वेस्ट ब्रुक भी बहुत सुपीरियर घोड़ा है, तो इन दोनों को लेके चल रहा हूँ पिक में। छठी रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है, द विस्पर क्वालिटी तौसीफ खान 161 किलो में जा रहा है, और बिल्कुल घोड़ा तो बनता है यार। 2 नंबर है फोइनो मैनन अक्षय कुमार, ये अभी मद्रास में रन लिया था घोड़े ने दिसंबर में, उसके बाद अब भाग रहा है। 3 नंबर बॉरबेनियर अभी सूरज पहली बार बैठा था, और मेरे ख्याल से द बी सेफ कप था जो भी था, अभी सूरज जीता है, 5 नंबर का ड्रॉ है, बिल्कुल रिपीट कर सकता है घोड़ा यार। ला मैक्यून है, बहुत सुपीरियर घोड़ा है, और इरफान गडाला जी का ये घोड़ा यार, रेड फाल्कन शायद कुछ लोगों को याद हो, वेस्ट ब्रुक के आगे फेवरेट था ये घोड़ा यार, और वेस्ट ब्रुक को शायद अगर सकलेन, मुझे ऐसा लगा था वो रन मुझे आज भी याद है कि अगर शायद और हार्ड राइडिंग या और बेटर राइडिंग करता तो शायद वेस्ट ब्रुक को बीट कर देता। तो ये घोड़ा यार गटाला साहब का मैं बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करूंगा, मोक दे रहे हैं घोड़े को, बढ़िया मोक है। 7 नंबर है मकैटो और सुपर वेलोस, ठीक है, के साइकिरन के नीचे, ये भी सरप्राइज के लिए है। बाकी पिक जो मुझे समझ आ रहा है यार इस रेस में, पहले तो मैं ये 3 नंबर पिक लेके चलूंगा, बर्बेनियर जो भी है सूरज नायडू, 5 नंबर का ड्रॉ है, एक बार जीता हुआ है 1200, दोबारा एक और बेटर रन की उम्मीद कर सकते हैं, पहले 1 नंबर का ड्रॉ था 5 नंबर का है, और दूसरा घोड़ा 5 नंबर रेड फाल्कन, ये घोड़ा यार मुझे बहुत जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे घोड़ों की फील्ड में भागा हुआ है, और देखते हैं इस क्लास 4 में कैसा रन देता है, मेरे हिसाब से तो यार हटना नहीं चाहिए घोड़ा, बाकी देखते हैं। 7वीं रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर क्लास 4 की रेस है, और यहाँ पे घोड़े हैं सदर्न फोर्स है, मेमोरेबल टाइम सरप्राइज के लिए आप देख सकते हैं, स्टार एडमायरल है, बाकी 5 नंबर लॉर्ड बर्नन, ये बहुत सुपीरियर घोड़ा है नारायण गौड़ा जी का, लास्ट टाइम भी मैंने पिक लेके चला था, और अंगद फ्रंट रनर जरा सा रह गया, अनलकी कह सकते हैं, पी किरण राय बैठा दिया है, उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते इस बारी, और जिसने बीट किया था 6 नंबर द अथा बास्का केसाई किरण, सेम जॉकी जा रहा है बिल्कुल, ये सरप्राइज के लिए मैं इसको जरूर कहूंगा, इसे कंसिडर जरूर करें यार, मतलब सरप्राइज क्या, 4 रुपये में लास्ट टाइम जीता था, दोबारा जीत सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैरी डॉट है, और बाकी लेडी गोडिवा है रेस में, बाकी आर गिरीस बैठा हुआ है इसमें, मैं सरप्राइज माइनर प्लेसिंग कह सकता हूँ इस घोड़े को, बाकी रेस मुझे दोबारा यार 5 और 6 नंबर पे समझ आ रही है, दोनों एक साथ भागे हुए हैं, देखते हैं इस बारी
किसका पल्ला भारी रहता है। बाकी ठीक है दोस्तों, बेंगलोर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों। इसके बाद आप सभी से मिलते हैं, कौन सी रेस है यार बता देता हूँ, लोग पूछते भी हैं, पुणे की रेस है इसके बाद, तो पुणे की रेसों में मिलेंगे इसके बाद। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाई, बाय 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 बाय।